हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ टाइफाइड फीवर, मतलब जो टाइफाइड फीवर होता है उसका होने का कारण क्या है या किस कारण से टाइफाइड फीवर होता है। तो कॉजेज ऑफ टाइफाइड फीवर में हम देखेंगे कि द ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम दैट कॉजेज टाइफाइड फीवर इज सेल्मोनेला टाइफी। मतलब क्या है कि टाइफाइड फीवर का कारण बनने वाला जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, देखिए बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्राम निगेटिव होता है, दूसरा ग्राम पॉजिटिव होता है। तो यह जो बैक्टीरिया होता है सेल्मोनेला टाइफी या सेल्मोनेला टाइफी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्रुप का होता है। ओके, मतलब द ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम दैट कॉजेस टाइफाइड फीवर इज सेल्मोनेला टाइफी, मतलब टाइफाइड फीवर का कारण बनने वाला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सेल्मोनेला टाइफी है। द टू मेन सिक्वेंस टाइप्स ऑफ एस टाइफी आर ST1 का मतलब होता है सेल्मोनेला टाइफी 1 एंड ST2 मतलब सेल्मोनेला टाइफी 2 विच आर वाइड स्प्रेड ग्लोबली। मतलब क्या है कि एस टाइफी के दो मेन सिक्वेंस है जिसे ST1 और ST2 कहते हैं। द टू मेन सिक्वेंस टाइप्स ऑफ एस टाइफी आर ST1 एंड ST2। ओके, अदर स्ट्रेन्स ऑफ सेल्मोनेला नो एनिमल कैरियर्स ऑफ टाइफाइड आर नोन। मतलब अभी तक पता नहीं है कि टाइफाइड का कोई एनिमल कैरियर्स मालूम भी है, अभी तक कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसका टाइफाइड का कोई एनिमल कैरियर्स मालूम नहीं है। मतलब अदर स्ट्रेन्स ऑफ सेल्मोनेला नो एनिमल कैरियर्स ऑफ टाइफाइड आर नोन, मतलब कोई एनिमल इसका कैरियर अभी तक मालूम नहीं है। ह्यूमंस आर द ओनली नोन कैरियर ऑफ द बैक्टीरियम, मतलब मनुष्य, ह्यूमन मतलब जो मनुष्य बोले, तो मनुष्य ही सिर्फ इस बैक्टीरिया का एकमात्र नोन कैरियर है। कौन? तो ह्यूमंस। ह्यूमंस आर द ओनली नोन कैरियर ऑफ द बैक्टीरियम। एस टाइफी इज स्प्रेड बाय द फेकल ओरल रूट। जो एस टाइफी का मतलब होता है यहाँ पे सेल्मोनेला टाइफी। हम अगर एस टाइफी बात करेंगे तो आप समझ जाइए कि एस टाइफी का मतलब है सेल्मोनेला टाइफी। एस टाइफी इज स्प्रेड बाय द फेकल ओरल रूट, मतलब सेल्मोनेला टाइफी सिर्फ फेकल ओरल जो रूट होता है इसके थ्रू फैलता है। ओके, एस टाइफी फेकल ओरल रूट के द्वारा फैलता है। An asymptomatic human carrier is someone who is still excreting typhoid bacteria in stool a year after the acute stage of the infection. मतलब asymptomatic मतलब जिसमें हमको कोई symptoms दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो asymptomatic human carrier मतलब asymptomatic human carrier वह व्यक्ति होता है। अच्छा, asymptomatic human carrier मतलब ऐसे मानव, कौन से मानव है जिसमें asymptomatic दिखाई देगा टाइफाइड। तो असिम्प्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर वह व्यक्ति होता है जो इन्फेक्शन के एक्यूट स्टेज, एक्यूट मतलब तुरंत हुआ जो इन्फेक्शन रहता है, वह एक्यूट स्टेज के एक साल वन ईयर के बाद भी स्टूल में टाइफाइड बैक्टीरिया का उत्सर्जन करता है, मतलब एक्सक्रिएट करता है, बाहर निकालता है, तो उसको हम बोलेंगे असिम्प्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर। असिम्प्टोमेटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें देखिए सिम्टम्स कुछ नहीं है, क्योंकि उसको जो टाइफाइड हुआ है वो एक साल पहले हुआ है, लेकिन एक साल के बाद भी उसके जो स्टूल्स है उसमें टाइफाइड बैक्टीरिया, जो टाइफाइड फैलाने वाली बैक्टीरिया है वह निकल रहा है, वह प्रेजेंट है उस स्टूल में, इसके लिए उसको असिम्प्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर बोलेंगे। तो एन असिम्प्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर इज समवन हु इज स्टिल एक्सक्रिएटिंग टाइफाइड बैक्टीरिया इन ए स्टूल और ईयर आफ्टर द एक्यूट स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब असिम्प्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर वह व्यक्ति होता है जो इन्फेक्शन के एक्यूट स्टेज के एक साल बाद भी स्टूल में टाइफाइड बैक्टीरिया का उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन कर रहा है। ओके, टाइफाइड फीवर यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ एस टाइफी। जो टाइफाइड बुखार होती है यह टाइफाइड बुखार सिर्फ जो खाने वाली भोजन मतलब फूड और पीने वाली जो पानी होती है ड्रिंकिंग वाटर जिसे बोलेंगे उसके दूषित हो जाने से फैलता है। वह दूषित किससे होगा? तो एस टाइफी मतलब सेल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से अगर वह कंटामिनेटेड हो जाता है खाने वाली वस्तु
पीने वाली पानी तो या इंसानों में फैल जाता है। मतलब टाइफाइड फीवर यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ एसटीआईवी। मतलब टाइफाइड फीवर आमतौर पर एसटीआईवी से कंटामिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से फैलता है। दिस कैन हैपन इफ समवन विथ टाइफाइड टचेस समथिंग यू ईट और ड्रिंक विदाउट वॉशिंग देयर हैंड्स। मतलब यह तब हो सकता है, टाइफाइड फीवर तब हो सकता है जब टाइफाइड से पीड़ित कोई व्यक्ति आपके द्वारा खाए या पिए गए किसी पदार्थ को बिना हाथ धोए छू लेता है, टच कर लेता है। तब दिस कैन हैपन इफ समवन विथ टाइफाइड टचेस समथिंग यू ईट और ड्रिंक विदाउट वॉशिंग देयर हैंड्स। इट कैन ऑल्सो हैपन इफ वेस्ट वाटर गेट्स इन टू वाटर यू ड्रिंक और ऑन फूड यू ईट। मतलब यह तब भी हो सकता है यह तब भी हो सकता है जब वेस्ट वाटर का मतलब है यहाँ पे दिस कैन ऑल्सो हैपन या दिस कैन हैपन इफ समवन विद टाइफाइड टचेस या इट कैन ऑल्सो हैपन इफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर का मतलब है यहाँ पे कि जिसमें स्टूल या यूरिन हो। वेस्ट वाटर का मतलब है कि ऐसा वाटर जिसमें स्टूल या यूरिन हो, उसे हम स्टूल क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि इट कैन ऑल्सो हैपन इफ वेस्ट वाटर गेट्स इनटू वाटर यू ड्रिंक और ऑन फूड यू ईट। मतलब यह तब भी हो सकता है जब वेस्ट वाटर मतलब जिसमें यूरिन या स्टूल प्रेजेंट हो, आपके द्वारा पिए जाने वाले पानी या आपके द्वारा खाए जाने वाला जो भोजन होता है, खाए जाने वाला भोजन उसमें चला जाए। बहुत बार क्या होता है कि अगर मोस्टली अर्बन साइड में, मतलब शहर वगैरह में, टाउन में, तो क्या होती है कि जो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होता है वह कभी पाइपिंग की, यहाँ पे तो सब पाइप से जुड़ा हुआ रहता है, तो पाइप लीकेज वगैरह के प्रॉब्लम से वो पानी, जो पीने वाली पानी होती है, उसमें कभी कभी चला जाता है। तो ये सब भी कारण होता है फैलने का एक टाइफाइड फीवर होने में। दूसरा, यू कैन गेट टाइफाइड फ्रॉम अदर पर्सन इफ दे डोंट वॉश देयर हैंड आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम। मतलब क्या है कि यह तब भी हो सकता है यदि कोई व्यक्ति बाथरूम जाने के बाद अपने हाथ नहीं धोता है तो आपको उससे टाइफाइड हो सकता है। अगर कोई आदमी बाथरूम जाने के बाद अपना हाथ ठीक से नहीं धोता है, प्रॉपर साफ नहीं करता है, तब भी आपको टाइफाइड हो सकता है। हाथ वह नहीं धोएगा लेकिन टाइफाइड आपको हो सकता है, कैसे, तो आइए देखते हैं। व्हेन दे टच सरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स दे कैन लीव बैक्टीरिया बिहाइंड दैट कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पर्सन हु टचेस इट। मतलब कि जब अगर कोई आदमी बाथरूम जाता है और वहां से आता है, कोई आदमी का मतलब है कि अगर उसको टाइफाइड इन्फेक्शन है, टाइफाइड फीवर हुआ है, अगर कोई आदमी को टाइफाइड फीवर हुआ है, वह बाथरूम में जाता है, बाथरूम से आने के बाद वह अपना हाथ प्रॉपर नहीं धोता है, हाथ ठीक से नहीं धोता है, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे आदमी है उसको भी जो टाइफाइड फीवर है वह फैला सकता है। कैसे, तो when the touches या surface and objects they can leave bacteria behind that can transfer to the next person who touches it। मतलब जब वे कोई वस्तु हो, जैसे फोन हो गया या फिर दरवाजा का जो कुंडी है, हाँ जो दरवाजा का कोई कुंडी है, तो वह क्या कर रहा है कि सीधा बाथरूम में जा रहा है, बाथरूम से आने के बाद हाथ नहीं धो रहा है, तो फिर दरवाजा का कुंडी पकड़ेगा या फिर वो अपना फोन पकड़ेगा, तो वह कुंडी पर क्या होगा कि उसके हाथ में जो टाइफाइड का जो टाइफाइड फीवर का या इस टाइफी बैक्टीरिया जो चिपका हुआ है, वह क्या करेगा कि वह जिस चीज को टच करेगा, चाहे वह दरवाजा का कुंडी हो या उसका फोन हो या पेन हो, कोई भी चीज हो, घर का कोई भी वस्तु को जिसको वह टच करेगा, तो उसके हाथ में जो चिपका हुआ बैक्टीरिया है वह उस चीज पर चिपक जाएगा जिसको वह छू रहा है। अब उसका काम खत्म। अब आता है दूसरे आदमी को जिसको होने का चांस है, वह कैसे, अगर वह आदमी नॉर्मल इंसान जिसको टाइफाइड नहीं हुआ है वह आ रहा है और फिर वापस वह उस दरवाजा का कुंडी हुआ या फोन हुआ या फिर उसका जो भी टच किया हुआ चीज है उसको छुएगा, तो एक तो पहले जिसको टाइफाइड हुआ था वह बाथरूम से आने के बाद
वह अपने हाथ की बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया उस वस्तु पर चिपका दिया। अब नेक्स्ट जो नॉर्मल आदमी आ रहा है वह उस वस्तु को छू रहा है, तो वह जो वस्तुओं पे चिपका हुआ बैक्टीरिया है, वह जो नॉर्मल आदमी है जिसे वह टच कर रहा है उसके हाथों में चला जाएगा। अगर अब वह गलती से वह अपना हाथ कभी मुंह वगैरह में धर लेता है या फिर मुंह में टच कर लेता है, बिना हाथ धोए खाना खा लेता है, तब क्या होगा कि वह जो टाइफाइड की बैक्टीरिया है वह नॉर्मल जो इंसान है उसके पेट में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे वह ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और वहां से मल्टीप्लाई करके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा और फिर टाइफाइड का कारण बनेगा। तो एक आदमी जिसको ऑलरेडी टाइफाइड हुआ है, वह जान रहा है कि उसको टाइफाइड हुआ है, बट वह गलती क्या कर रहा है कि बाथरूम से आने के बाद वह अपना हाथ नहीं धो रहा है, मतलब प्रॉपर वो अपना हाथ को नहीं धो रहा है, उसकी वजह से दूसरे आदमी को भी टाइफाइड फीवर हो रहा है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को टाइफाइड फीवर फैला सकता है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब वही कि हाथ नहीं धोने के बाद वह जिस चीज को छू रहा है तो उसके हाथ में जो चिपका हुआ बैक्टीरिया है, एस टाइप की बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया क्या करेगा, उस वस्तुओं पर चिपका देगा और फिर वह वस्तु को जो कोई भी छुएगा उसके हाथों में वह बैक्टीरिया चला जाएगा और फिर उसके हाथों से अगर प्रॉपर वह नहीं हाथ को साफ कर रहा है खाने से पहले, तो फिर क्या होगा कि वह बैक्टीरिया उसके पेट में जाके इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद वह उसके ब्लड स्ट्रीम में आएगा और यह एक कारण बन जाएगा टाइफाइड होने का। मोस्टली जो देखा गया है टाइफाइड होने में यह एक बहुत बड़ा रोल है, इससे भी टाइफाइड फीवर बहुत अधिक फैलता है, बाकी तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता ही है। तो कमेंट के थ्रू बताइए अभी आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।